नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। माना जाता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही कारखानों और फैक्ट्रियों में भी औजारों की पूजा की जाती है। इस साल विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर 2020 को है। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को की जाती है। जिन वस्तुओं का आप अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं, उनकी विश्वकर्मा पूजा कर साफ सफाई करना ना भूलें। विश्वकर्मा पूजा पर भूल कर भी औजारों को इधर उधर ना फेंकें, नहीं तो आपको विश्वकर्मा भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आप ना तो स्वयं अपने औजारों का इस्तेमाल करें और ना ही किसी और को करने दें। अगर आप विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति रखकर उनकी पूजा कर रहे हैं तो अपने औजारों को पूजा में रखना ना भूलें। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो विश्वकर्मा पूजा के दिन उनकी पूजा भी जरूर करें। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए जरूरी सामग्री है अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि। इसके बाद फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी को स्नान करके सब पत्नी पूजा के आसन पर बैठना चाहिए। कलश को अष्ट दल की बनी रंगोली जिस पर सतनजा हो रखें, फिर विधि विधान से क्रमानुसार स्वयं या फिर अपने पंडित जी के माध्यम से पूजा करें। ध्यान रहे कि पूजा में किसी भी तरह की शीघ्रता भूलकर भी ना करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में ओम आधार शतपे नमः और ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः मंत्र का जाप जरूर करें। जप करते समय साथ में रुद्राक्ष की माला रखें और कोशिश करें कि 108 बार मंत्रों का जाप करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।